रेलवे का बांध क्षतिग्रस्त होने के कारण इलाके वासियों ने मरम्मत की मांग की है। माल बाजार, मौसम विभाग ने पहले ही कालिंगपोल, दार्जिलिंग समेत उत्तर बंगाल के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई थी। सोमवार की रात से हुई बारिश के कारण कालिंगबोंग, जलपाईगुड़ी तथा डुआर्स, मिरिक, गैंगटोंग सभी हिस्से में देखने को मिला है। हालांकि बुधवार की रात से बारिश कम होने के साथ ही तीस्ता, जलढाका, डायना समेत उत्तर बंगाल की कई नदियों का जलस्तर कम हुआ है। नागरिक से लेकर प्रशासन ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। वहीं कई जगहों से अब भी तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। गुरुवार की सुबह ऐसी ही एक तस्वीर माल महकमा के उदाल बाड़ी घिस रेल सेतु संलग्न इलाके में देखने को मिली। घिस नदी के रौद्र रूप ने रेलवे के बांध को काफी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय इलाके के निवासियों ने बताया कि बीती रात घिस नदी का जलस्तर बढ़ने से प्राय 30 मीटर रेलवे सेतु का गार्ड बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा बिस्ती छिलो जल लगे बाने बांधा भांगी सकाल बेला देख लो যদি বাঁধ ভাঙে যায় তাহলে তো রেলের অসুবিধা হবে, আমাদের বস্তির সামনে আছে বস্তির অসুবিধা হতে পারে। অনেকখানে ভাঙে গেছে, করার কিছু নেই। রাত্রিবেলা আমরা আসিনি, সকালবেলা দেখলাম আসে ওই ঘটনায়।